है बेटा, तुम मेरे कमरे में चले जाओ, मैं मार्था के साथ सो जाऊंगी। कोई वादा ही नहीं है रोजा आंटी, हम लोग 2 मिनट में अपना सामान लेकर नीचे आते हैं, बॉबी अपने ही कमरे में सो जाएगा। खामखा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं कह चुका हूँ मैं नहीं सोऊंगा नीचे। बॉबी, अरे तुम्हें क्या हो गया डाली? मैं बाल बाल बची हूँ बॉबी, मुझे तो बस मार ही डाला गया था। मार ही डाला गया था? रोजा आंटी, मार्था आंटी? नहीं नहीं, हम नहीं, जॉनथन। उसने इसे चोर समझ लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं है बॉबी, वो तो मुझे कोई मैनियक लगता है, मुझे उससे बहुत डर लगता है। अरे अरे, तुम तो बुरी तरह से कांप रही हो, आओ बैठो बैठो। स्मेलिंग सॉल्ट है घर पे? नहीं, लेकिन गर्म चाय से काम चलेगा या कॉफी? कॉफी एक कप मेरे लिए भी, और कुछ सैंडविच भी, अभी तक खाना नहीं खाया मैंने। तुम दोनों के लिए कुछ बना लाती हैं, अभी हैट वगैरह यही छोड़ देते हैं। मार्था, कहीं जा रही थी आप लोग? पता है क्या बज रहा है इस वक्त? 12 बज चुके हैं, 12। अच्छा जूली, अब तुम अपने घर जाओ। अभी तो तुम्हें सैंडविच खाने थे, अभी बन जाते हैं फटाफट। और क्या भूल गए, हम लोग तुम्हारी एंगेजमेंट सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो सेलिब्रेट तो हम करेंगे ही, तुम दोनों के लिए बहुत कुछ अच्छा बना लाती हैं हम, और एक वाइन के पौधे भी खोलेंगे। ठीक है, वाइन नहीं। बॉबी, आखिर हो क्या रहा है इस घर में? क्या मतलब? तुम मुझे आज प्ले दिखाने और खाना खिलाने शहर ले जाने वाले थे, वो तुमने कैंसिल कर दिया। तुमने मुझसे शादी करने को कहा, मैंने अपनी मंजूरी दे दी, और तुमने 5 मिनट बाद धक्के देकर मुझे घर से निकाल दिया। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे भाई ने मुझे मार डालने की कोशिश की, और तुम मुझे फिर से धकेल कर घर भेज रहे हो। ठीक है मिस्टर डिसूजा, लेकिन जाने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मैं खड़ी कहाँ हूँ। अब बोलो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ डार्लिंग, इतना प्यार करता हूँ कि तुमसे शादी नहीं कर सकता। ओह, क्या तुम अचानक पागल हो गए हो? अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन और की बात है, बचूंगा नहीं। दरअसल जूली, हमारे खानदान में पागलपन पीढ़ियों से चला आ रहा है, नहीं बल्कि दौड़ता आ रहा है। एक मिनट रुको बॉबी, ये कहानी गले उतरने वाली नहीं है। डिसूजा खानदान के खून में एक अजीब सा रंग मिला हुआ है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि एल्फी का दिमाग थोड़ा सा। बहुत पहले की बात है, डिसूजा खानदान का पहला व्यक्ति आके जो यहाँ बसा था। लेकिन इतनी पीछे जाने की जरूरत ही क्या है? अच्छा ठीक है, मेरे दादाजी को ही ले लो, वो अपनी दवाएं सिर्फ मरे हुए लोगों पे आजमाया करते थे, इस डर से कि उसे लेके कोई मर ना जाए। लेकिन वो पागल नहीं थे, उन्होंने लाखों रुपया कमाया था। जॉनथन, तुमने अभी अभी बताया जॉनथन ने तुम्हें मार डालने की कोशिश की, और वो एक मैनियक है। लेकिन तुम हो, तुम्हारे भाई नहीं, और मैं प्यार तुमसे करती हूँ। एल्फी के बारे में तो तुम जानती हो, वो अपने आप को हिटलर समझता है। हिटलर भी तो खुद को हिटलर समझता था। नहीं नहीं जूली, डिसूजा खानदान के किसी भी व्यक्ति को शादी करने का कोई हक नहीं। अगर सही वक्त पे मेरी अपनी डैडी से मुलाकात हो जाती तो मैंने उन्हें भी शादी करने से रोक दिया होता। लेकिन बॉबी, इन सब बातों से ये कहीं साबित नहीं होता कि तुम भी पागल हो। अपनी आंटियों को देखो, वो भी तो डिसूजा खानदान की ही हैं, लेकिन उनसे ज्यादा प्यारी, समझदार और सही दिमाग वाली औरतें मैंने आज तक नहीं देखी। उनकी भी कुछ अजीब विशेषताएं हैं। हाँ है, लेकिन इतनी प्यारी विशेषताएं, दया, ममता, इंसानी हमदर्दी। एक नहीं बॉबी, दर्जनों हैं। आंटियों के बारे में तुम क्या बताओगे मुझे? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं जूली। अच्छा जूली, अब तुम अपने घर जाओ, एक बहुत जरूरी काम आ गया। कहाँ से आ गया है, हम दोनों यहाँ अकेले हैं इतनी देर से। मुझे पता है मैं बहुत पागलपंथी की बातें कर रहा हूँ, लेकिन तुम सिर्फ इतना जान लो कि मैं डिसूजा खानदान का एक पागल हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि पागलपन का दिखावा करके तुम बच जाओगे तो ये तुम्हारा पागलपन है। हो सकता है तुम मुझसे शादी ना करो, लेकिन मैं तुमसे शादी करके ही मानूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ बेवकूफ। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। कम से कम मुझे घर तक तो छोड़ाओ, डर लग रहा है। डर?